आपका स्वागत है। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? मेरे पास केवल एक पिज्जा है, क्योंकि बाकी के मुझे मिल गए हैं। नहीं, मेरे पास सारे पिज्जा है। जरा इस टावर को देखो। ओह माय गॉड, तुम्हारे पास इतने सारे पिज्जा है और मेरे पास केवल एक, ये सही नहीं है। रोना बंद करो और जल्दी खाना शुरू करो। आशा है कि मेरा पिज्जा कम से कम स्वादिष्ट हो। यह पक्का दूसरों की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। यम्मी। और कितना सारा चीज है, मुझे चीज बहुत पसंद है। अरे मैं तुम्हारे लिए कोई कचरे का डब्बा नहीं हूँ कि तुम मुझ पर बचा हुआ खाना फेंकती रहोगी। यह लो। तुम लड़ क्यों रहे हो? मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैं भी जल्द से जल्द अपना पिज्जा खाना चाहती हूँ। इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं तेजी से और ज्यादा आसानी से खाने का एक तरीका जानती हूँ, ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। वाह, मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा कर सकता है। तुम ये कैसे कर रही हो? पिज्जा इतना स्वादिष्ट है, इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ। मुझे क्या हो गया? मुझे नहीं लगता है कि अब तुम पिज्जा खा पाओगी, लेकिन हमें वो खाने से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुरंत खुद को ठीक करना होगा, ऐसे अजीब लग रहा है। मेरा पिज्जा कहाँ गया? किसने चुराया? सच में किसने हिम्मत की? ओह तुम चोर, शर्म नहीं आती? मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं केवल इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं अपने पिज्जा के ढेर को कैसे खाने जा रहा हूँ। तुम मेरे सबसे स्वादिष्ट पिज्जा, अब तुम्हें खाने का समय आ गया है। शायद तुम्हें वो नीचे से नहीं खाना चाहिए। अरे यार, इससे क्या होगा? या हमने तुमसे कहा था। हाँ, एक मस्त पिज्जा राउंड था। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? मुझे लहसुन से नफरत है। यह किसे पसंद होगा? तुम लोग बदकिस्मत हो, क्योंकि मेरे पास केवल एक लहसुन है। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें इसे सबसे पहले खाना होगा। यह आसान है, मैं कायर नहीं हूँ, इसलिए मैं इससे जल्दी निपट लूंगी। बस मुझे उल्टी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने खुद को ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया। इस तरह का बकवास खाना बिल्कुल गलत है। बस बहुत हुआ। यह क्या? तुम्हें अपने लहसुन को पूरा खत्म करना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए स्पेशल उपहार भी है, एक लहसुन प्रेस। तुम इसमें सारा लहसुन डाल सकती हो और इसे सीधे तुम्हारे मुंह में दबा सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे उल्टी हो जाएगी। खाना तो पड़ेगा, अपना मुंह खोलो। कितना खराब। अब लग रहा है कि मेरे मुंह में किसी बिल्ली ने, ठीक है तुम समझ गए ना। छी, मैं भी इसे सूंघ सकता हूँ। ये कैसी बदबू आ रही है, कितना भयानक है। अच्छा है कि मेरे पास ऐसे मामलों के लिए हमेशा गम होता है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बदबू नहीं आई और मुझे ये सहना नहीं होगा। एलेक्स, लहसुन खाने की तुम्हारी बारी है। मैं इसे क्यों खाऊंगा? देखो कि इसे कितना अच्छा हार मिल सकता है। अपनी शरारतें बंद करो, तुम्हें इसे वैसे भी खाना पड़ेगा। ओके। ठीक है, लेकिन पहले सभी एक्स्ट्रा चीजों से छुटकारा पाना होगा। मेरे पास इसके लिए एक बहुत बड़ा फूलदान भी है। अब इसमें सिर्फ इसकी कली बची है, तो इसे खा सकते हैं। ओह, मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा घिनौना स्वाद कभी नहीं चखा है। सच में ये बदबू बर्दाश्त करने लायक नहीं है। एक साधारण कपड़े का पिन हमें हमेशा किसी भी गंध से बचा सकता है, और अगर ये काफी नहीं है तो हमें हर जगह एक एयर फ्रेशनर स्प्रे करने की जरूरत है। लेकिन लगता है कि सिर्फ एयर फ्रेशनर मदद नहीं कर रहा है, हमें बदबू के स्रोत को बेअसर करने की जरूरत है। यह मदद करता है, लेकिन इसे घर पर दोहराने की कोशिश न करें, क्योंकि एयर फ्रेशनर बहुत खतरनाक होता है। पर अब मुंह से कोई बदबू नहीं आ रही है। जूली, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी करो और अपना लहसुन खाओ। मैं बचपन से ही इस चीज से नफरत करती हूँ। अगर तुम मेरा चेहरा हरा होते हुए देखना तो मेरी मदद करना प्लीज।
ये कितना घिनौना है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हें जल्दी करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन इस तरह से मैं इस लहसुन से जल्द निपट लूंगी। वाह, क्या हिम्मत है और क्या स्पीड है जूली, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बस हो गया, अब कोई और लहसुन नहीं। ओ, इतनी बदबू तो मुझसे भी नहीं आई थी। जूली मुझे माफ करना, लेकिन हमें तुम्हें अलग करना होगा, नहीं तो बदबू हर तरफ फैल जाएगी। अरे किस लिए, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे लगता है मैं गिर रही हूँ। इसने काम किया, से कम अब कमरे में बदबू नहीं फैलेगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हुर्रे! अरे यार, मैं टिक टैक के साथ भी बदकिस्मत हूँ और मैं लकी हूँ, मेरे पास एक पूरा पैक है। देखो कौन सच में लकी है। हाँ, मुझे भी कभी कभी अच्छे ट्रीट्स मिलने ही चाहिए। मेला, तुम्हारे पास सबसे कम कैंडी है तो तुम शुरू कर सकती हो। मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टिक टैक कैंडी खाना मुश्किल नहीं होगा। स्वादिष्ट है लेकिन बहुत कम। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं खा सकता हूँ। हाँ, यह क्या हो रहा है, कुछ भी क्यों नहीं निकल रहा है, मेरी कैंडी कहाँ है? एलेक्स की कैंडी खत्म हो गई है। यह रहे। यार, अब मैंने टेबल पर टिक टैक बिखेर दिया है। मुझे लगता है कि मैं इसे एक साधारण स्ट्रॉ के साथ जल्दी से इकट्ठा कर सकता हूँ। हो गया, जूली केवल तुम ही बची हो। मेरे पास कैंडी का सिर्फ एक बड़ा पैक नहीं है, मेरे पास सामान्य पैक का पूरा ढेर है। यह सभी के लिए काफी है। यहाँ और भी है, सभी कैंडीज मेरी है। मुझे टिक टैक बहुत पसंद है, इसलिए मैं जल्दी से सारे पैक खा जाऊंगी। उफ, उसने हमारे साथ शेयर भी नहीं किया। यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एक पैक चोरी करने का तरीका जानती हूँ। ताड़ा, और यह रहा हमारा कैंडी। वहीं रुक जाओ तुम दोनों, चोरी करने में शर्म नहीं आती? कोई एविडेंस नहीं है, तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। जूली का बदला भयानक होगा। हाथ ऊपर, यह लो, कैसा लगा? अब समझे मेरे ट्रिक्स चुराने से क्या होता है? वाह मेला, कितने सारे कैंडी हैं, चलो जल्दी से पकड़ो। हाँ बिल्कुल सही कहा। अरे नहीं, मेरे पास कोई टिक टैक नहीं बचा है, मैंने ये सब गोलियों पर खर्च कर दिया, लेकिन तुमने इसे अपने दोस्तों के साथ तो शेयर किया। वाह, कितने सारे ट्रिक्स हैं। तुम भाग्यशाली हो, मुझे सिर्फ एक चॉकलेट बार मिला है। अरे उसका रैपर तो निकाल कर खाओ, मुझ पर मत चिल्लाओ। तुम्हें ये कैसे खाऊं? हाँ, मैं अपने चेन सॉ का इस्तेमाल करूंगी। ऐसा मत करो, बचाओ। ठीक है, शांत हो जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे चॉकलेट के लिए है, मेरे दो ट्विक्स के टुकड़े के लिए। मैं भूल गई थी कि मेरे पास दो है। भूल गई थी? और क्या तुम यह भी भूल गई थी कि चॉकलेट को एक सौ से काटा जाता है तो यह हर तरफ उड़ता है? डांटने के बजाय तुम मेरी तारीफ कर सकते थे। खैर, मेरे पास कितना कम चॉकलेट है और तुम दोनों के पास कितना सारा। अगर तुम्हारा हो गया हो तो अब मैं शुरू करती हूँ, पहले सारे रैपर हटाने होंगे। अरे सारे? हाँ, अब मैं खा सकती हूँ। मुझे ट्रिक सच में बहुत पसंद है, यह हमेशा स्वादिष्ट होते हैं, खासकर अच्छा तब होता है जब बहुत सारे हो। मेरे पास एक आइडिया है, इसे ऐसे ही क्यों खाऊं अगर इस चॉकलेट को दूध में डुबोकर खाया जा सकता है। उफ, सब कुछ उड़कर मेरे पास क्यों आता है? देखो साधारण दूध कितनी जल्दी चॉकलेटी बन गया, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा है। यह बहुत अच्छा है, एक साथ खाओ और पियो। लगता है तुम्हारा लगभग हो गया है, तो अब मैं चलता हूँ, पहले सारे कैंडी रैपर उड़ा देता हूँ। कैसा लगा? बढ़िया ना? हाँ, पर सिर्फ इतना ही नहीं है,
अब समय आ गया है बहुत ही महत्वपूर्ण कंस्ट्रक्शन का काम करने का। ये चॉकलेट स्वादिष्ट और एक बहुत मजबूत सामग्री दोनों होते हैं और न्यूटेला की मदद से सब अच्छे से चिपक जाएगा और ये ट्विक्स के साथ अच्छे से जाएगा। वाह, यह देखो दुनिया का सबसे लंबा चॉकलेट टावर। हाँ, यह आसमान की ऊंचाई का है, मुझे सीढ़ी पर चढ़कर यह खत्म करना होगा। कितना अच्छा बना है, लगभग पूरा हो गया है। विवियन, तुम समझ रही हो ना, यही हमारा मौका है। हाँ बिल्कुल, चलो जल्दी से खाते हैं। अजीब है, सब हिल क्यों रहा है? बचाओ! ओह, आशा है कि वह ठीक है। तुमने हिम्मत कैसे की? वह मेरा चॉकलेट था। अच्छा है कि मैंने हेलमेट पहन रखा था, इसने मेरी जान बचा ली। अरे यह क्या, फिर मुझे सबसे कम मिला है। मेरे पास सिर्फ एक आंख है। किस्मत सच में तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, हंसी आ रही है। तो ये लो, मैं तुम्हारे चेहरे पर ये लगा दूंगी। ये गमी आंख बहुत चिपचिपी होती है। अच्छा लगा? बस करो, मैं समय बर्बाद नहीं करूंगी, खाती हूँ। तुम खाओ, तब तक मैं एक प्रैंक करता हूँ। मुझे थोड़े केचप की जरूरत होगी, ये मजेदार होने वाला है। जूलिया देखो, मैं अपनी आँख खींच कर निकाल लूंगा। क्या? तुम्हारी आँख, यहाँ से ये हटाओ जल्दी। ओह, ये क्या है? ओह, लगता है उसके गले में फंस गया है, उसकी मदद करनी होगी, सब ठीक हो जाएगा। यह सीरियल कितना स्वादिष्ट है, मुझे और खाना है। यह आग कहाँ से आई? कितना भयानक! वो आग सच में असली लगती है। हाँ वो तो है, सिर्फ एक अंतर है, यह आग बहुत स्वादिष्ट है और इसके अंदर स्वादिष्ट सिरप भी है। अंदर सिरप है? तब चलो इधर देखो, अब मेरी बारी है इन गमी ट्रीट्स को खाने की। किसी चीज की कमी है। एक और आग? नहीं, मेरा कुछ मत छुओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। कम से कम एक तो दे दो, तुम हमारे दोस्त हो, हमारे साथ शेयर करो ना। मैं कुछ शेयर नहीं करूंगा, मैंने सब खत्म कर दिया, देखो कुछ नहीं है। यह क्या हो रहा है, मेरे पास इतनी आंखें क्यों है? देखो तुम्हारी लालच की वजह से क्या हुआ। क्या यह कोई मजाक है, मुझे फिर इतना कम क्यों मिला है? हमें तो ज्यादा चिप्स मिले हैं। सिर्फ एक टुकड़ा, ये इतना छोटा है, मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। वह टेबल के नीचे क्यों चली गई? मुझे इसकी जरूरत थी, किसी तरह इसे खाना होगा और मुझे लगता है ट्वीजर्स मेरे काम आएंगे। तुम हंसना बंद करो और अपना खाओ। हाँ ठीक है, मैं अपनी चिप्स जल्दी से खा लूंगा, बस इसे खोलना होगा। क्या है, ये इतने कसकर क्यों लगा हुआ है? पीटर, तुम बिल्कुल ताकतवर नहीं हो। चुप रहो, चिप्स का डब्बा खोलने का ये सबसे अच्छा तरीका है, बस इसे काटना होगा। देखो, और मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा। चिप्स खुद ही उड़कर मेरे मुंह में आ जाएंगे। कितने स्वादिष्ट है। अरे अरे, यह तो एक चिप्स के डब्बे से बेहोश हो गया। छोड़ो, मैं अपनी ट्रीट खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट, मजा आ गया। अरे सच में चोट लगती है। हाँ जो भी हो, मुझे खाने दो, यह लाजवाब है। क्या मैं ठीक हूँ? नहीं, यह चिप्स कमाल के हैं, मैं रुक ही नहीं पा रही हूँ। यह नामुमकिन हो गया है, यह बहुत ही अच्छे हैं। ध्यान से कैन फेंकना बंद करो। अरे मुझे भी एक हेलमेट चाहिए। हेलमेट नहीं, इस भूखड़ के चिप्स को यहाँ से हटाना होगा। वाह, यह तो बढ़िया किया, एकदम सही निशाना। यह क्या हुआ, मदद करो मेरी। उफ, ब्रोकली नहीं। ब्रोकली? पर मुझे एक बीज क्यों मिली है? स्वाद तो अच्छा नहीं है। अरे हाँ, इसे उगाना होगा, फिर मुझे इसे एक पौधा मिलेगा। बस करो,
रुको, सारी मिट्टी हमारे ऊपर आ रही है। ओ माफ करना, हमारे मुंह में मिट्टी भर गई है। ओ शांत हो जाओ, मुझे बस अपने बीज को डालने के लिए जगह चाहिए थी। जब तक ये उगता है तब तक तुम अपना ब्रोकली खाओ। लगता है मेरी बारी है, पर दिक्कत यह है कि मुझे ब्रोकली से नफरत है। यह कितना खराब है, छी इसका स्वाद तो भयानक है। लग रहा है कि मैं किसी सड़े हुए चीज को खा रहा हूँ। मैंने पहले कभी इससे और बुरी चीज नहीं खाई है। मुझे जल्दी अपने मुंह का स्वाद ठीक करना होगा। ओ यह मुझे दो। देखो यह बड़ा हो रहा है। तुम्हारी कोला ने मेरे पौधे की मदद की। अच्छा मदद हुई, तो अब उसका मजा लो। वो पौधा ब्रोकली है। क्या सच में? मैं इतनी मेहनत इसके लिए की? आशा है कि इसका स्वाद कम से कम अच्छा हो। नहीं, लगता है मैं दुनिया की सबसे खराब माली हूँ। यह ब्रोकली बहुत बुरा है, इसे खाना नामुमकिन है। तुम्हारे चेहरे पे मिट्टी लग गई है। हंसना बंद करो जूलिया, अब सिर्फ तुम ही बची हो। मैं? पर यही कितना बड़ा है, मैं ये नहीं खा सकती। ओ हाँ आइडिया। दोस्तों देखो उधर क्या उड़ रहा है। कहाँ? कितने बोले है, तुम लोग उधर कुछ ढूंढो और तब तक मैं इस गंदी चीज को फेंक देती हूँ। अच्छा तो तुम हमें बेवकूफ बनाना चाह रही थी। वैसे मेरे पास भी यहाँ एक कटोरी है। कितना खराब स्वाद था, देखो मैंने सब खा लिया। बहुत बुरा था। ओ इतना बुरा था कि तुमने सब फेंक दिया, पर अच्छा है कि मैं सब फिर ले आया। मुझे यह नहीं खाना था, लेकिन लगता है कि यह खाना ही होगा। हिल भी नहीं सकता, मैं टेबल से चिपका हुआ हूँ। हमेशा की तरह मुझे शुरू करना चाहिए। वाह स्केटर, ये गम से भी बेहतर है। चलो देखें कि केट और मुझे कौन से हिस्से मिले हैं। वाह मेरे पास काफी कैंडी है। और मेरे पास एक पूरा पहाड़ है, मैं ये सब गिन भी नहीं सकती। हमेशा की तरह बेला की किस्मत उसके साथ नहीं है। तुम कितने दुष्ट हो। कोई बात नहीं, किसी दिन मुझे भी खुश होने का मौका मिलेगा और तब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी। ओह पैक में केवल एक कैंडी है, अब तो यह हद ही हो गई। हर सेकंड का मजा लेने के लिए मुझे इसे बहुत धीरे धीरे खाना होगा। अफसोस की बात है। तो तुम्हें क्या उम्मीद थी, यहाँ मेरे हिस्से को काफी देर तक खाया जा सकता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ। जब पास में कैंडी के इतने सारे पैकेज हैं तो समय क्यों बर्बाद करें। वाह एक ही समय में मीठा और खट्टा, मुझे यह पसंद है। रुको मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। मेरा विश्वास करो, मेरी योजना तुम्हें चौंका देगी। इसे करने के लिए सभी कैंडी को पैक से बाहर निकालना होगा, लेकिन यह इसके लायक है। मैं इस पर थोड़ा समय लगाने के लिए तैयार हूँ। तैयार, चलो चलते हैं। अब कैंडीज को रंग के अनुसार छांटने की जरूरत है, इस तरह। मुझे नहीं लगा था कि इतना रोमांचक था। खैर मैं लगभग पूरा कर चुका हूँ, देखो ये कितना है। क्या मैं एक ले सकती हूँ? वहाँ टॉम ने मुझे कुछ नोटिस नहीं किया। कुछ और कैंडी चुराना संभव होगा, मैं कितनी चालाक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी कैंडीज कहाँ जा रही है। लगता है और भी है। पॉली ये सब तुम्हारा काम है। ठीक है अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं इस चूहादानी को यहीं छोड़कर कैंडी से भरना जा रहा हूँ ताकि तुम्हें संदेह ना हो। थोड़ा और ले लेती हूँ। मेरी उंगली, चूहादानी कहाँ से आई? टॉम मुझे पता है ये सब तुमने किया है। तुम्हें मेरी कैंडी लेने की जरूरत नहीं थी। वैसे मैंने पहले ही उन्हें रंग के आधार पर छांट लिया है, अब हर एक स्वाद का अलग से मजे ले सकते हैं। लालची, थोड़े कैंडी भी शेयर नहीं कर सकते? खैर कोई बात नहीं, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। ये क्या है पॉली? बहुत बड़ा पंखा। ओह तुमने मेरी सारी कैंडी उड़ा दी। वाह अब कैंडी खाने की बारी मेरी है, मैं उन्हें खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। मैं ऊपर से शुरू करूंगी। चलो देखें कि अंदर क्या है। स्वादिष्ट लग रहा है। कितने प्रकार के स्वाद है, मैं उन्हें तुरंत महसूस करना चाहती हूँ। यह रहा पहला पैक, अब बाकी को खोलने का समय है। और कैसा होगा यदि इसे सीधे टेबल से कैंडी लेते हैं, शायद ये सुविधाजनक होगा। हाँ काफी अच्छा है, जारी रखती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इतना स्वादिष्ट कि रुकना मुश्किल है। लगता है इसमें लंबा समय लगेगा। हम फोन में कुछ कर सकते हैं या पॉपिट खेल सकते हैं। शायद अपनी उंगलियों से कुश्ती करना बेहतर होगा। बस हो गया, मैं और नहीं खा सकती, मेरा पेट भर गया है। फिर हम इसे ले लेते हैं। जी नहीं, मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। क्या कर रही हो केट, तुम्हारे पास इतनी प्लेटें क्यों हैं? तुम्हें धैर्य रखने की जरूरत है टॉम, जल्दी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा।
देखो मैंने कितनी खूबसूरती से कैंडी बिछाई, और अब उन्हें स्प्राइट के साथ डालना होगा और हम एक वास्तविक चमत्कार देखेंगे। यह एक कटोरे में इंद्रधनुष होगा। यह शुरू हो गया है, देखो। वाह, तुमने यह कैसे किया? यह जादू ही लगता है। यह वास्तव में इंद्रधनुष जैसा दिखता है। मैंने तुमसे कहा था रंग एक के बाद एक खूबसूरती से बह रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। इस बार मैं पहले देखना चाहता हूँ। और यह क्या है? मैंने पॉपकॉर्न के इतने छोटे हिस्से कभी नहीं देखे। सिर्फ एक बार खाने के लिए एक दाना है। हाँ वो तो है, मुझे भी थोड़ा सा मिला है, हालांकि यह टॉम से बेहतर है। आखिरकार मैं भाग्यशाली निकली। मैं जानती थी यह होगा। पॉपकॉर्न की कितनी बड़ी बाल्टी। वाह, मुझे अब तुमसे जलन हो रही है पॉली। मुझे अभी अपना बेचारा एक पॉपकॉर्न खाना होगा। तुम क्या कर रहे हो टॉम? मेरी राय में वो कुछ बकवास कर रहा है। तुम कुछ नहीं समझते, एक छोटा सा हिस्सा भी खूबसूरती से खाना चाहिए। मैं एक कांटा और चाकू लूंगा। असली जेंटलमैन यही करते हैं। इतना छोटा अनाज काटना इतना आसान नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि भोजन को कैसे संभालना है। मुझे समझ आ रहा है तुम जानबूझकर ज्यादा समय लगा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस सभी काम पूरे शिष्टाचार से करना जानता हूँ। लगता है कभी कभी तुम उनके बारे में भूल जाते हो। खैर मुझे परवाह नहीं है, मैं अपने पॉपकॉर्न मजे से खाऊंगी, भले ही थोड़ा क्यों ना हो। देखो मैं कितनी स्मार्ट हूँ। वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कर सकती हो। ओ, लगता है सारे खत्म हो गए। अरे नहीं, अभी एक दाना बाकी है। बहुत अच्छा, इसे डिजर्ट की तरह खाती हूँ। ये हम देख लेंगे। मेरा पॉपकॉर्न कहाँ गया? टॉम, तुम क्या कर रहे हो? टॉम आज केट को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अपना ख्याल रखना, मेरे पास करने के लिए बेहतर चीजें हैं। मुझे पॉपकॉर्न का पूरा पहाड़ खाना है। ओह, कितना मीठा और कुरकुरा है। मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी। अब मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे खा सकती हूँ। किस्मत आज तुम्हारे साथ है पॉली। हाँ, और मैं सब कुछ देख रही हूँ। मेरा पॉपकॉर्न चुराने की कोशिश भी मत करो। हमें इतनी जल्दी पीछे हटने की आदत नहीं है। मैं जानता हूँ कि क्या करना है। एक विशेष वैक्यूम क्लीनर मुझे कुछ पॉपकॉर्न चुराने में मदद करेगा। वाह, ये काम करता है। टॉम, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मुझे मेरा पॉपकॉर्न अब वापस दे दो। ये एक शानदार योजना थी। तुम महान हो टॉम, चलो खाते हैं। अपने मुंह से पॉपकॉर्न पकड़ो किट। तुमने क्या किया? ये अच्छा नहीं हुआ। मैं फिर से शुरू करने के लिए तैयार हूँ। दूध और ओरियो कुकीज, स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन ये इतना छोटा क्यों है? ठीक से दिख भी नहीं रहा है। वाह, मैं फिर से भाग्यशाली निकली। कितना अच्छा है। तुम्हें किस्मत के बारे में क्या पता है पॉली? यहाँ देखो, मेरा हिस्सा अद्भुत है। और बेचारा टॉम, सावधानी से, तुम्हारी वजह से मेरा कुकीज गिर सकता है। यह अच्छा होगा, मुझ पर हंसो मत। मेरा विश्वास करो, मैं अपने छोटे से हिस्से को भी मजे लेकर खा सकता हूँ। ये कुकीज बहुत कुरकुरे हैं और दूधिया स्वाद एकदम सही। अरे नहीं, मैंने ग्लास में कुकी गिरा दी। मुझे इसे तुरंत निकालना होगा, नहीं तो ये नरम हो जाएगा। लेकिन हाथ जा ही नहीं रहा है, क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है, मुझे बस दूध पीना है तो कुकीज नीचे रहेंगी। ओह, लगता है मैंने इसे खा लिया। अब मेरी बारी है। मुझे आशा है कि मेरी कुकीज को ग्लास में से कोई खतरा नहीं है। वाह, इतने सारे टॉपिंग्स, मुझे ये बहुत पसंद है। यह कितना क्रीमी है और साथ ही क्रिस्पी भी। बनावट और स्वाद का सही संयोजन। उफ, मेरी कुकी भी ग्लास में गिर गई। आओ देखें कि तुम इसे कैसे बाहर निकालती हो पॉली। कैसा रहेगा अगर मैं इसे कुछ करूं ही नहीं तो? कुकीज का धन्यवाद, अब मेरा दूध चॉकलेट रंग का हो गया है। है ना ये शानदार? मुझे और भी अधिक कुकीज जोड़ने और एक प्रकार के बर्तन में सब कुछ ठीक से मिलाने की जरूरत है। तब एक स्वादिष्ट चॉकलेट मिल्क शेक मिलेगा। लगभग हो गया, बस इसे हिलाना है। क्या उसे सच में कुछ स्वादिष्ट मिलने वाला है? अब तुम देखना। मुझे अपने रेसिपी के बारे में कोई संदेह नहीं है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं ये चखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। लगता है पॉली सही थी, उसकी योजना काम कर गई। मैंने तुमसे कहा था, अब देखो और मुझसे ईर्ष्या करो। स्वादिष्ट कुकी स्वाद के साथ चॉकलेट दूध। मैं इसे स्ट्रॉ से नहीं पीना चाहती, मुझे यह सब चाहिए। वाह, इस कॉकटेल को याद रखना होगा। लगता है अब केवल मैं ही बची हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं जल्दी से अपने हिस्से से निपट लूंगी।
और तुम्हें उसके पास पहुंचने की जरूरत नहीं है, मेरे पास उसके लिए योजना है। सभी कुकीज एक ग्लास दूध में चली जाएंगी। वाह, क्या बड़ा स्प्रे है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन कुकीज जल्दी से एक ग्लास में निकली। सुपर, जल्दी खुश हो रही हो केट? हम तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। बॉन एपिटीट। ये तुमने क्या किया, पूरा दूध और कुकीज मेरे ऊपर। मैं खाना चाहती थी लेकिन मुझे केवल एक पिज्जा मिला है, बड़े अफसोस की बात है। मुझे भी तुम्हारे लिए खेद है, लेकिन कितना अच्छा है कि मेरे पास बहुत पिज्जा है। तुम्हारे पास? तुमने मेरा टावर अब तक नहीं देखा है। देखो यहाँ कितना सारा पिज्जा है कि आसमान को छू रहा था। लेकिन सबसे पहले वही खाएगा जो सबसे कम भाग्यशाली है, हुआ है डायना। बस बहुत हो गया मजाक, मैं जानती हूँ कि मैं पहले खाऊंगी और इससे मैं बहुत खुश भी हूँ। भले ही मेरे पास केवल एक पिज्जा है, फिर भी ये बहुत स्वादिष्ट और गर्म है। चीजी स्ट्रेच को तो देखो, कितना बढ़िया, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अरे अपना कचरा फेंका मत, देख कर फेंको। क्या फर्क पड़ता है, मुख्य बात है कि इसका स्वाद मुझे अच्छा लग रहा है। बस वह करना बंद करो, बहुत हुआ, मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। तुमने मेरे ऊपर क्रस्ट फेंका तो तुम्हें भी क्रस्ट ही मिलेगा। तुम बहुत मजाकिया हो, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि तुम दोनों मेरे साथ नहीं लड़ रहे हो। खैर मेरा पिज्जा खाने का समय आ गया है। ओ हाँ डायना, तुम बिल्कुल सही थी, पिज्जा अद्भुत है आइडिया। मैं जानती हूँ कि इसे सबसे अच्छे से कैसे खाया जा सकता है, इसे एक बरिटो की तरह रोल करके। अब यह सुविधाजनक और स्वादिष्ट दोनों है। कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी कि पिज्जा को सबसे तेज कैसे खाते हैं। ये बहुत अच्छा था। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक व्यक्ति के मुंह में इतना फिट हो सकता है। बेशक यह हो सकता है, इसके अलावा इस तरह हम लगातार कई पिज्जा खा सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई, अब क्या करें? अब तुम्हारा सारा पिज्जा हमारा हो गया और हम इसका आनंद ले सकते हैं। अरे मेरा पिज्जा कहाँ है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने उन्हें बेशर्मी से चुराया है। चोर, हम पर चिल्लाओ मत, हम वास्तव में भूखे हैं। आखिरकार वो समय आ गया है जब मैं अपना पिज्जा को खा सकती हूँ। मैं इसका लंबे समय से इंतजार कर रही थी। टावर सरल नहीं बल्कि बहुत स्वादिष्ट है। सॉसेज रह गया। सिर्फ एक टिक टैक, एक कैंडी कैसे खा सकते हैं? मेरे पास एक पूरा डब्बा है। देखो डायना के पास क्या है। हाँ मेरे पास बहुत है, ये सिर्फ एक डब्बा नहीं है, ये टिक टैक का एक पूरा विशाल पैक है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन लीली पहले खाएगी। मैं जानती हूँ, मेरा टिक टैक कोका कोला के स्वाद का है और मुझे कोला बहुत पसंद है। स्वादिष्ट लेकिन बहुत कम है। मैरी अब तुम्हारी बारी है। अरे मैं हमेशा कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए तैयार हूँ। ये गिर क्यों नहीं रहा है? जल्दी से मेरे मुंह में आओ। हाँ हाँ, मैरी ने अपनी सारी कैंडी गिरा दी। ऐसा कुछ नहीं है, वे मेज पर बिखरे हुए हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाया जा सकता है, मतलब स्ट्रॉ की मदद से। मैं खुश हूँ, बहुत स्वादिष्ट था। डायना अब केवल तुम ही बची हो। हुर्रे, आखिरकार मेरी बारी आ गई। ये कितना स्वादिष्ट है। हाँ ये स्वादिष्ट है, शायद तुम इसे हमारे साथ साझा कर सकते हो। तुम्हारे पास कितने पैक हैं? साझा करना नहीं, ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं खुद ही इसे मजे से खाऊंगी। कितना खाने का मन है। मुझे इस बात का अंदाजा है कि डायना से कम एक बॉक्स कैसे चुराया जाए। अगर मैं इसके दूसरी तरफ से ले लेती हूँ तो निश्चित रूप से उसका ध्यान नहीं जाएगा। मैरी अपना हाथ अब बढ़ाओ और ये टिक टैक खाओ। अरे तुम्हें ये कहाँ से मिला, ये मेरी कैंडी है। ठीक है तुम्हारे पास एक है,
बेटी, कुछ कैंडी गन फायर के लिए तैयार हो जाओ। ये लो। अरे बस करो, रुको, हम तुमसे प्रार्थना कर रहे हैं, रुक जाओ। तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी कैंडी चुराने से क्या होता है। बिल्कुल, वो हम पर कैंडी की बौछार कर रही है, पर ये बहुत स्वादिष्ट गोली है, हम उन्हें अपने मुंह से पकड़ कर खा सकते हैं। ये शानदार आइडिया है, ये लो। मुझे लगता है कि मेरी गोली खत्म हो गई और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमारा तो पेट भर गया। अरे मुझे इतने लहसुन की क्या जरूरत है। मैं तुमसे सहमत हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कम मिला है। तुम लड़कियाँ बहुत बदकिस्मत हो, मुझे तो केवल एक लहसुन मिला है। लेकिन तुम इसे पहले खाओगी तो क्या, मुझे लगता है मैं उससे जल्दी निपट लूँगी। अब मैं सिर्फ इसका छिलका छीलूंगी, नहीं तो इसके साथ खाने में मजा नहीं आएगा। बहुत खूब, छिलने का अच्छा तरीका है। तुम्हें क्या लगता है, अब इसे खाने में मजा आएगा? ओ नहीं, मैं ये नहीं खाना चाहती। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था। क्या तुम जानती हो कि तुम्हें क्या मदद करेगा? लहसुन प्रेस। इसकी मदद से लहसुन खाना अब इतना खराब नहीं लगेगा। आओ लिली, अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और लहसुन को निचोड़ूंगी। जी नहीं, धन्यवाद। अच्छा अपना मुंह खोलो, तुम इसे स्वयं नहीं खोल सकते, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो तुम्हें कैसा लगा, स्वादिष्ट? क्या तुम्हें लहसुन पसंद आया? नहीं, ये भयंकर है, मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं चखा है। क्या बदबू है, अब हमें भी इसे सूंघना होगा। लिली, ताकि तुम्हारे मुंह से कचरे की गंध ना आए, इसलिए ये गम ले लो। ओह धन्यवाद, मैं निश्चित रूप से गम को मना नहीं करूंगी, ये मदद करता है। अब लगता है मैंने लहसुन नहीं खाया है। तुम भाग्यशाली हो कि तुम अपना लहसुन खा चुकी हो, और मुझे अभी भी करना है, हालांकि मुझे करने की क्या जरूरत है, ये बहुत सुंदर है। ये बहुत अच्छा होगा कि मैं इसे गले में पहन लूं। नहीं, नियम के अनुसार तुम्हें इसे खाना होगा। तो तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद कर रही थी कि हार का विचार काम करेगा और तुम गुस्से में हो डायना, लेकिन मैं अभी भी लहसुन को ऐसे नहीं काटूंगी। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। लहसुन को जल्दी और अच्छी तरह से छीलने के लिए मैं इसे ग्लास में डालती हूँ और अच्छी तरह से इसे हिला दूंगी। तब सभी छिलके वहीं रह जाएंगे और लहसुन सुरक्षित रूप से खाए जा सकते हैं। वाओ, ओह ला ला। कम ऑन। छी, हाँ लिली, मैं मानती हूँ लहसुन बहुत खराब है। ऐसा लगता है जैसे मैंने कचरा पेटी खा लिया हो। और अब कमरे में ऐसी ही महक आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि इतनी गंदी गंध से भी जल्दी से कैसे निपटा जा सकता है। एक एयर फ्रेशनर हमारी मदद करेगा। कुछ भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा जब तक मेरे मुंह से गंध गायब नहीं हो जाती। नहीं तो अब क्या किया जाए? बिल्कुल, अगर तुम्हारी सांसों से बदबू आ रही है तो तुम्हें इसे फ्रेशनर से स्प्रे करने की जरूरत है। ये लो। ओह, ऐसा लगता है कि एरोसोल खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, गंध भी चली गई है। बिल्कुल कोई गंध नहीं है, हालांकि इसका स्वाद भी लाजवाब है। डायना, अब लहसुन खाने की बारी तुम्हारी है। दोस्तों, मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मैं ये पूरा गुच्छा नहीं खा सकती, ये बहुत बड़ी है। नहीं, तुम्हें खाना होगा, खाओ, हमें तुम पर विश्वास है। ओह, आशा है कि मैं बीमार ना पड़ूं। तुम सही कह रही हो, मैं मजबूत हूँ, मैं लहसुन की एक दो कलियां सह सकती हूँ। वाह, वो तो छिलके के साथ खा रही है, बहुत खूब। बस थोड़ा सा बाकी है, मुझे उससे निपटना है। अरे आराम से, छिलका मत फेंको, सीधे हमारे ऊपर आ रहे हैं। मुझे परवाह नहीं है, अब मुझे केवल इस बात की परवाह है कि मेरे मुंह से कचरे की डब्बे की तरफ बदबू आ रही है। हाँ, गंध भयानक है, लेकिन मुझे पता है कि क्या हमारी मदद कर सकता है। हम इस बदबू के स्रोत को बंद कर दे तो हम कमरे में ही इससे छुटकारा पा लेंगे। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मदद करो, मुझे बचाओ। मुझे आशा है कि वो जिंदा होगी। बेशक वो जिंदा है, वो सिर्फ बदबू की वजह से बेहोश हो गई है। मेरे साथ सब कुछ ठीक है, मैं जिंदा हूँ, मैं ठीक हूँ।